तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं कि प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट देखा। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो प्लीज़ आई बटन पे चेक करके देख सकते हो, या फिर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें सारा कुछ आपको दिख जाएगा। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इंट्राडे बेसिस पे। अगर आपको कोई भी डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको सारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हो। तो चलो गाइस, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, मतलब प्राइस एक्शन का मतलब क्या है और उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस दोनों एक ही चीज़ है या फिर अलग अलग है। तो मैं आपको सिंपली एक वर्ड में क्लियर करता हूँ कि प्राइस एक्शन का मतलब क्या है। प्राइस एक्शन में सिंपली हम लोग प्राइस के बिहेवियर को देखते हैं, इसमें किसी और थर्ड पार्टी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है कि प्राइस एक्शन के अंदर हम लोग सिंपली प्राइस को ही देखेंगे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स का हेल्प लेते हैं। ये आपको मैं मतलब ब्रीफली समझा दिया, मैं अभी आपको सारा कुछ आगे चल के समझाता हूँ कि क्या होता है। सो गाइस देखो, प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन एक मेथड है जो कि फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करने का, ये बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर यूज़ करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप कोई और भी इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हो। इंडिकेटर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर होता क्या है, लेकिन प्राइस एक्शन का सिंपली एक ही मतलब है कि प्राइस एक्शन का मतलब सिंपली हम लोग प्राइस को देख करके ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बात बताता हूं कि अगर मान लो कि अगर आप अभी रिलायंस का जो हम लोग सिंपली रिलायंस के स्टॉक के ऊपर एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस मान लो आज 2500 का चल रहा है, ये जिस दिन 500 का होगा क्या यहां पे बायर्स बाई नहीं करेंगे इसको? डेफिनेटली इसको बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है पहले आपको 2500 का मिल रहा था, लेकिन अब ये 500 रुपए का ही मिल रहा है आपको, पर शेयर पे 2000 का डिस्काउंट मिल रहा है, 2000 रुपए कम पे आपको शेयर मिल रहा है। तो आप इसको क्या देख करके बाई कर रहे हो? आप इसके प्राइस को देख रहे हो। अब ये होता है प्राइस एक्शन। सिंपली ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि आप प्राइस मान लो कि प्राइस कैसे बन रहा है। इसके अंदर बहुत सारा कुछ आता है, मैं उसको आपको आगे चल के बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या। सो इसका मतलब क्या है कि इसमें आप प्राइस को सिंपली देख करके ट्रेड कर रहे हो, ना कि किसी इंडिकेटर को या फिर थर्ड पार्टी कुछ चीज़ को देख के कर रहे हो। इसमें सिंपली आपका चार्ट होता है, एक चार्ट होता है और आप होते हो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर यूज़। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर चार्ट ट्रेडिंग भी बोला जाता है, या फिर नेकेड चार्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब ही ये हुआ कि इसमें सिंपली हम लोग प्राइस और कैंडल को देख के ट्रेड करते हैं। अब कैंडल क्या होता है उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ, लेकिन सिंपली आप इसको ये जान लो कि इसमें हम लोग किसी और चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, सिंपली चार्ट को और कैंडल को ही यूज़ कर रहे हैं। अब कैंडल बहुत मतलब चार्ट के अंदर आप लाइन चार्ट यूज़ कर सकते हो, कैंडलस्टिक यूज़ कर सकते हो, या फिर बहुत सारा कुछ आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो ये जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर ट्रेडिंग स्टाइल में से एक है। इसको जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, रिटेल ट्रेडर यूज़ करते हैं, हेज फंड वाले जो होते हैं जो कि आपका म्यूचुअल फंड संभालते हैं, वो सारे लोग इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो किसी इंडिकेटर के बेसिस पे वेट करते हैं प्राइस को ऊपर नीचे ले जाने का? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो ये होता है आपका प्राइस एक्शन। सिंपली इसमें आप एक चीज़ समझ लो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप सिर्फ प्राइस को देख करके, प्राइस को और चार्ट पैटर्न्स को देख करके ही ट्रेड कर रहे हो, इसमें और कुछ भी नहीं आता है। चलो अभी हम लोग आगे चल के बात करते हैं कि आगे और सारा कुछ क्या है। सो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही ये है कि इसमें आप लोग जो भी चीज़ एनालाइज कर रहे हो, मतलब चार्ट को एनालाइज करते हो, इसमें आप बहुत सारे चीज़ को यूज़ कर रहे हो, टेक्निकली यूज़ कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आप कैंडलस्टिक को यूज़ करोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करोगे, चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करोगे, इंडिकेटर्स को यूज़ करोगे और वॉल्यूम को यूज़ करोगे। तो टेक्निकल एनालिसिस का सिंपली अगर आपको मतलब जाना, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप प्रीवियस डाटा को, मतलब प्रीवियस का स्टॉक का प्राइस क्या किया था, आज करंट का स्टॉक प्राइस क्या कर रहा है, इन दोनों को ऐड करके आप फ्यूचर का प्राइस निकालते हो। मतलब क्या है कि मान लो प्रीवियस डे पे जो चार्ट का मोमेंटम था वो 2 रुपए का था, आज का ये मोमेंटम 3 रुपए का था, तो आप इन दोनों को जोड़ करके आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये बढ़ रहा है तो हो सकता है कल ये 4 रुपए या फिर 5 रुपए होगा। अब ये कन्फर्म नहीं होता है कि प्राइस ऐसा ही होगा, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी होता है कि हाँ आपका मतलब प्रोबेबिलिटी है कि 80% ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है, 50% ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है। अब इसमें श्योर शॉट 100% कुछ भी नहीं होता टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ये सिंपली प्राइस के मोमेंटम को, डाटा को देख करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है। मतलब प्रीवियस में जितना भी डाटा है उन सारे चीज़ को देख करके फ्यूचर का प्राइस को हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ इसी चीज़ का होता है यहाँ पे, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस। लोग मतलब लोग को आप बस एक बता दो कि कोई भी इंडिकेटर बता दो, वो इंडिकेटर जानने के लिए एकदम पागल हो जाते। सो कहीं सीखो अभी इसके अंदर क्या आता है,
के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम लोगों का सबसे पहला जो चीज़ आता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं वो कैंडलस्टिक का यूज़ करते हैं। मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ क्या होता है। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, फिर चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, इतने तरीके का चार्ट पैटर्न्स होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सारा चीज़ को हम लोग अगले मतलब सीरीज़ बाई सीरीज़ में कन्वर्ट करें क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप सिंपली इसको एक दिन के अंदर कभी नहीं समझ सकते हो। इसके साथ साथ लोग सेम इसी चीज़ को सिखाने के लिए आपसे 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो आपको मैं फ्री में सारा कुछ सिखा दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहना। तो अभी इसमें हो गया कि टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन क्या होता है। अभी आने वाले वीडियो में आपको इन सारे चीज़ का आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।